आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बात करते हैं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी मायने रखती हैं। जैसे आप जब कहीं पे भी जाओ तो कुछ लिखा रहता है तो अक्सर क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार क्यों है, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, हम थोड़ा आलसपन इसमें आ जाता है। तो चलिए हम ऐसे छोटे छोटे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और वीडियोज ऐसे बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो बनाने से पहले आपको बता दूंगा दोस्तों कि हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड सेल शुरू हो गई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये 4 अप्रैल तक चलेगी और 4 अप्रैल के बाद हमारा यूपीएससी कोर्स 50,000 तक महंगा हो जाएगा। अब ये 15,000 में हम दे रहे हैं, तो फिस्कल ईयर 2022 ये सेल है और ये कूपन कोड आप यूज़ करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो कोर्स 14 से 15,000 का हो जाएगा, बहुत ही शानदार कोर्स है। 12 से 13 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं हर हफ्ते, इतना प्रैक्टिस करा रहे, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल मत मिस करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार। यूपीएससी पीसीएस इस बार हम आपका निकलवाएंगे। साथ ही साथ आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लिया होगा, जो हमारा क्यूब का कोर्स है, वो आज 4:30 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, 5 बजे लाइव क्लास होगी, तो आना मत भूलिएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे जंक्शन, सेंट्रल स्टेशन और टर्मिनल, ये क्या होता है। जंक्शन तो बहुत ही, ये तो काफी लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल और टर्मिनस क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। अभी मैं गया था गुजरात तो सब घूमा, तो मैंने कहा चलो ये चीज आपको बता देते हैं। रेलवे ना जब पहला प्यार होता है किसी भी इंसान के जीवन का, रेलवे पहला प्यार है, बहुत ही कम ऐसे होंगे, 100 में से 80 से 85 लोग जो हैं बचपन को याद करिए, ट्रेन वाह वाह अभी तक एक्साइटमेंट होता है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है ठीक है, मैं अपना अभी वक्त बचाने के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करता हूं, पर मुझे वो मजा नहीं आता जितना मजा आपको रेलवे स्टेशन पे आएगा ना। वो इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो आपको ट्रेन में ही जाइए, है ना, जनरल में जाइए। गांधी जी हमेशा जनरल में सफर करते थे, लेकिन जनरल में दोस्तों भीड़ बहुत होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एसी में ही कराएं, नहीं तो स्लीपर में करा लें, रिजर्व करके जाइए, वरना तो बहुत ही बुरी हालत है जनरल में तो। बट वही है कि आप ऐसा है ना कि मतलब वहाँ भीड़ होती है, अनाउंसमेंट हो रही है, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है ना। फिर उसके बाद एकदम जाना और एकदम पेनिट्रेट करते हुए रास्ते देखते हुए जाना, स्टेशन, नदी के पुल, वो अलग ही। तो कई बार ऐसे वहां पे चीजें होती हैं कि समझ में नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये टर्मिनस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनस एंड टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है खत्म, जहां पर खत्म हो गया, तो जिस स्टेशन पे खत्म हो गया है ट्रैक, ट्रेन आगे नहीं जाएगी, वही होता है टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मतलब ये है कि भाई उसके आगे समुंदर है, कहां ले जाओगे भाई। जैसे अभी मैं सोमनाथ गया था, द्वारका गया था, तो सोमनाथ इज द लास्ट स्टेशन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, मंदिर के पीछे समुंदर है, तो समुंदर के आगे थोड़ी ना चले जाएंगे, ठीक है। द्वारका के आगे ओखा है, ओखा इज द पोर्ट, वहां के आगे समुंदर है, तो जहां पे ट्रेन एंड हो रही है उसके आगे नहीं जाएगी, उसको टर्मिनस बोलते हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा। तो इंग्लिश अगर जिसको मतलब जैसे वोकैब जिसकी स्ट्रांग होती है या नहीं भी स्ट्रांग होती है, तो टर्मिनल मतलब ही होता है एंड होना। यहां से स्टेशन वेयर द ट्रेन डज नॉट गो फर्दर, ट्रेन कैन ओनली एंटर और लीव, वो होता है ना वो रोकने वाला, वो क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे ट्रेन आती है, वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे ट्रेन खड़ी हो जाती है, उसके बाद यहीं से दोबारा निकलती है, तो इसको कहते हैं टर्मिनस। ट्रैक्स जो है वो यहां पर खत्म हो जाते हैं। तो लोकमान्य सबसे बड़ा है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस सबसे बड़ा। सेंट्रल, सेंट्रल सबसे बिजी स्टेशन होता है, सेंट्रल मतलब बीच में, जो सबसे बिजी, सबसे ज्यादा ट्रेन आपको यहां से मिलेगी। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं, लेकिन भाई मेरी खुशनसीबी है कि मेरे बगल में कानपुर है, मेरा ननिहाली कानपुर, खैर तो कानपुर इज द सेंट्रल स्टेशन। लखनऊ से इतनी ट्रेनें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कानपुर से सर्च करेंगे ना तो आपको सारी की सारी ट्रेनें हर जगह जाने के लिए मिल जाएंगी। तो सेंट्रल स्टेशन मतलब इट इज द बिजिएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन इन द सिटी एंड स्टेट एज वेल। इट इज यूजली वेरी लार्ज एंड मल्टीपल स्टेशन, हर जगह जाने के लिए सब जगह के रूट आपको यहां से मिल जाएंगे, डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगी, तो इट इज सेंट्रल, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये 5 सेंट्रल स्टेशन है, टोटल 5 सेंट्रल स्टेशन है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल एंड चेन्नई सेंट्रल। तो याद रख लीजिएगा ये 5 सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहां पे भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़, क्योंकि ट्रेन यहां पे आपको हर जगह के लिए मिलेंगी। देन जंक्शन, द मोस्ट कॉमन जंक्शन, आपको जंक्शन क्या होता है, जब कम से कम 3 रूट्स जो हैं
पास होते फ्रॉम वन स्टेशन, देन द स्टेशन इज कॉल्ड अ जंक्शन. मतलब द ट्रेन्स दैट कम इनटू द स्टेशन मस्ट हैव एटलीस्ट टू आउटगोइंग ट्रेन लाइंस. सिंपल, एक ट्रेन कम, जैसे एक जंक्शन है, वहां से अगर तीन आउटगोइंग ट्रेन लाइंस है, मतलब तीन अलग अलग जगह पे जाने के लिए लाइंस है, जैसे अगर कानपुर लखनऊ, कानपुर लखनऊ, सिर्फ अगर यही यही के लिए ट्रेन मिल रही तो वो जंक्शन नहीं कहलाएगा. लेकिन चार पांच जगह, अगर मिनिमम तीन जगह वो जा रही है लाइंस, वो अलग अलग शहर जा रही है, तो वो जंक्शन कहलाएगा. ओके, तो कम से कम मिनिमम थ्री आउटगोइंग, थ्री रूट्स होने चाहिए जो यहां से पास हो रहे हैं. ठीक है, अब हाइएस्ट रूट्स आपको मथुरा में मिलेंगे, दैट इज सेवन. और भी छह रूट्स आपको सेलम जंक्शन से मिलेंगे, फाइव विजयवाड़ा और पांच बरेली जंक्शन से मिलेंगे. पांच अलग अलग रूट्स जो हैं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह के लिए जाते हैं. ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, डाउट सेशन. आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें. तो अगर आप चाहते हैं कुछ और भी डाउट्स मैं क्लियर करूं, ऐसे वीडियोस लाऊं, तो मुझे जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, टी शर्ट गिव अवे अगले संडे, फेज 1 कंप्लीट हो गया, 10 मिलियन का फेज 2 है. जल्दी सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.